देखिए लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मोदी के मंत्री और मोदी खुद किसानों को मदद करना दूर की बात, किसानों की दिल की बात सुनना दूर की बात,
जो काले कानून को लेकर उनका विरोध है उसको वापस लेना दूर की बात, लेकिन उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। किसान जो कि अन्नदाता है उसको उनकी एक मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मवाली कहती है, और अभी तक प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया उस पर आई नहीं है। किसी की उंगली अगर कट जाती है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन उनके एक मंत्री ने इस तरीके का बयान देने के बावजूद उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। इससे ये दिखाई पड़ता है कि इस सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना नहीं है, या जासूसी करते हैं जनता की। तो प्रधानमंत्री मोदी इन सबके लिए जिम्मेदार है। अगर कोई अच्छी चीज दूसरा भी करता है तो श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं। अगर इनका मंत्री गलत करता है, प्रधानमंत्री गलत करता है, इनका मंत्री कोई गलत करता है तो प्रधानमंत्री उसका कुछ जवाब क्यों नहीं मांगते? अभी तक उसको क्यों नहीं निकाला गया? अगर हमारे देश में 70% लोग किसानी से जुड़े हैं, किसान है, किसान जो धंधे उससे जुड़े हुए हैं, तो अभी तक उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं लिया है? इससे यह पता चल गया प्रधानमंत्री मोदी का उसको समर्थन है जो मीनाक्षी लेखी ने बोला हुआ है कि किसान मवाली है। हम इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करते हैं और मीनाक्षी लेखी का इस्तीफा देना होगा। मीनाक्षी लेखी कोरोना वायरस में वो अपने घरों के अंदर घुसी रहे। जब लोग रोडों पे खड़े थे, इतने लाखों किसान हाईवे पे जाम करके बैठे थे, एक अपनी मांग कर रहे थे कृषि किसानों को किसी कानून को वापस लाने के लिए, मीनाक्षी जी आज गरीब किसानों को मवाली कहती है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि उनको सिर्फ माफी कहने से कोई काम नहीं चलेगा, उनको उन किसानों के पास जाना चाहिए और उनको उनके सामने जाके उनके पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस देश के जो किसान है वो अन्नदाता है, उनकी वजह से हम रोटी खाते हैं, हम और इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार इस तरीके के उलझुल बयान इनके मंत्री देते रहते हैं। पिछली बार कृषि मंत्री राधाकृष्णन ने कहा था कि जो ये किसान आत्महत्या करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके अलग अलग शौक करके वो जिम्मेदार है आत्महत्या करने के लिए। तो किसानों का अपमान ये करते हैं, बेरोजगारों को लाठी डंडे से पीटने का काम ये करते हैं, गरीबों को महंगाई से इन्होंने मार दिया है। तो आखिर ये किसकी सरकार है? ऐसी सरकार तो भारत देश में कभी भी नहीं देखी गई जब से देश आजाद हुआ। तो इस तरीके से निर्मम सरकार, ये निर्मम सरकार जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं, ये सत्ता की लालची सरकार जिसमें मोदी उनके मंत्रियों को कुछ कहने को तैयार नहीं। हम सीधा सीधा कहते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी जी का पूरा हाथ है, उसके कहने पे मीनाक्षी लेखी ने यह स्टेटमेंट दिया है।
मीनाक्षी लेखी मुर्दाबाद, बल्ले पवार मीनाक्षी लेखी मुर्दाबाद, मीनाक्षी लेखी जी ने किसानों को मवाली कहा। अगर किसानों को मवाली लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और इसके केंद्रीय मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लगातार ये सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है। देश का अन्नदाता जो देश की राजधानी की सीमाओं के चारों तरफ पिछले 6 से 7 महीने से भी अधिक समय हो गया है, 800 से अधिक किसान अपनी शहादत दे देते हैं, अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं, लेकिन इनके केंद्रीय मंत्री उनको मवाली कहते हैं, कभी उनका अपमान करते हैं, कभी उनके परिवारों का अपमान करते हैं। ये अपमान देश की जनता सहन नहीं करेगी। आज भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश भर में इनके केंद्रीय मंत्री विशेष तौर पर मीनाक्षी लेखी, जिसने कल किसानों को मवाली कहा, देश का अन्नदाता का इतना अपमान, भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर के इसका जवाब देगा। आज इसीलिए हम मीनाक्षी लेखी के घर का घेराव करने आए थे, और जब तक वो सार्वजनिक रूप से उन्हें हटाते नहीं हैं और इनके मुखिया माफ़ी नहीं मांगते, सड़क से लेकर संसद तक इसी तरह से भारतीय युवक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में प्रदर्शन करती रहेगी। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे?